हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर, टेंथ के स्टूडेंट के लिए बिहार सरकार स्मार्ट क्लास चला रही है। अगर आप क्लास मिस कर गए हैं तो वीडियो को पूरा पढ़ें। स्मार्ट क्लास के सभी ऑब्जेक्टिव पार्ट वाइज बता रहे हैं, जिसमें आज सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को बारीकी से बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट, रबी की फसल को काटा जाता है? ऑप्शन ए जाड़े में, ऑप्शन बी गर्मी में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्मी में। नेक्स्ट, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए जाड़े में, ऑप्शन बी गर्मी में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट, चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी बलुआ, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़। नेक्स्ट, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उगाया जाता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन स्मार्ट क्लास के हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई है। वीडियो के एंड स्क्रीन पर नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है, आप उसे टच कर जरूर पढ़ें, ताकि एग्जाम में आप सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट, मकई के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट, आजीविका अर्जन की प्रणाली को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था की संरचना, ऑप्शन डी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं। नेक्स्ट, वे कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, निम्न क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, उसे डैश कहते हैं? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी समावेशी विकास, ऑप्शन सी मौद्रिक विकास, ऑप्शन डी आर्थिक योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समावेशी विकास। नेक्स्ट, भारत में कौन आने वाले 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी योजना आयोग, जिसका कि अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है। नेक्स्ट, लोगों द्वारा वस्तु से वस्तु का लेन देन अपनी आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मौद्रिक विकास, ऑप्शन बी वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी आर्थिक नियोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट,
इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था की संरचना, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का विकास, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था के प्रकार, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट, चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी विद्युत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के विकास की कौन सी स्थितियां हैं? ऑप्शन ए मौद्रिक सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक मौद्रिक, ऑप्शन डी मौद्रिक मिश्रित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक मौद्रिक। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के विकास को कितनी स्थितियों में बांटा गया है? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पांच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दो। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था में विकास होना, ऑप्शन सी देश की सरकार को आर्थिक लाभ पहुंचाना, ऑप्शन डी देश के लाभ की आर्थिक लाभ पहुंचाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 17 अप्रैल 1945, ऑप्शन डी 26 अप्रैल 1945। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। नेक्स्ट, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मौद्रिक विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? ऑप्शन ए जनसंख्या पर नियंत्रण, ऑप्शन बी तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन सी कृषि का तेजी से विकास, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तेजी से बढ़ती जनसंख्या। नेक्स्ट, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया जिसे डैश कहते हैं? ऑप्शन ए गरीबी रेखा, ऑप्शन बी ऊपरी रेखा, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गरीबी रेखा। नेक्स्ट, मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आता है? ऑप्शन ए रोटी कपड़ा मकान, ऑप्शन बी गाड़ी कपड़ा मकान, ऑप्शन सी रोटी कपड़ा शिक्षा, ऑप्शन डी रोटी स्वास्थ्य शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोटी कपड़ा मकान। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, नरेगा योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? ऑप्शन ए शहरों के अमीर लोगों के लिए, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारियों के लिए, ऑप्शन डी आम जनता के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए। नेक्स्ट, इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश डैश कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विकसित। नेक्स्ट, गरीबी को निर्धारित करने के लिए किसके द्वारा सीमांकन किया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी योजना आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की धारणा के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया गया है? ऑप्शन ए वाई बराबर सी प्लस आई, ऑप्शन बी वाई बराबर सी प्लस एस, ऑप्शन सी सी बराबर एस माइनस वाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वाई बराबर सी प्लस आई। नेक्स्ट, ये इस पार्ट का भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।